हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरमा मंत्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जॉब के बारे में जहां पर एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है जो कि कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम में है। एंड द बेस्ट थिंग और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब इज कि यहां पर जो सैलरी पैकेज दिया गया ना वो काफी अच्छा है। मतलब यू कैन अर्न हियर नियर अबाउट 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच का, 7 लाख के बीच का आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज जो यहाँ पर मिलने वाला है। अगर करीबन सोचो तो मंथली आपको 30 to 35,000 तो आराम से यहाँ पर मिलने वाले। सो पोस्ट क्या है, तो इट्स अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का ये रोल है। एक्चुअल में आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो, आप यहाँ पर काम कर सकते हो। सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर वो फुल टाइम का जॉब है, पार्ट टाइम का नहीं है। और क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, मतलब ये वीडियो कम्प्लीटली देखने से पहले आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक चीज ये है कि आप लोग मस्ट भी ग्रेजुएट होने चाहिए, फिर वो किसी भी डिसिप्लिन से हो, आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपने मतलब कभी भी जॉब किया है और बीच में 2-4 साल का गैप हो गया है और अभी कम बैक करना चाहते हो तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड बोथ आप में एक और एक क्वालिटी होना चाहिए कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, बोथ रिटन और वर्बल, वो दोनों भी स्ट्रांग होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी इन इंग्लिश, ओके। और पैन इंडिया से हायरिंग है, आप कहीं भी किसी भी लोकेशन से बात करो। मतलब अगर कल का वीडियो अगर देखा होगा आपने रिलायंस का, तो वहां पर बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि मैम देहरादून के लिए कोई वैकेंसी बताओ, देन यूपी के लिए, देन बिहार के लिए बोला था, और मेरे ख्याल से उड़ीसा के लिए बोला था। तो जितने मेरे मतलब मेरे कुछ कमेंट्स दिमाग में है, अगर मैं पर्टिकुलरली उस चीज के लिए भी अगर मुझे कोई वैकेंसी मिलती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। लेकिन ये जो वैकेंसी है ना वो पैन इंडिया है, आप कहीं से भी हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और डेफिनेटली आपको ये प्रोफाइल, मतलब ये जैसे प्रोफाइल का नाम अगर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट है, तो आपको इससे समझ में आना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत सेल्स का जो नॉलेज है ना वो यहाँ पर आना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि आपको एक्सपीरियंस है, बट एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, इंग्लिश का ही पर्टिकुलरली। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रोल क्या होगा आपको यहाँ पर, तो बेसिकली आपको क्या करना है, तो यू हैव टू रिसीव, टेलीकॉलिंग की तरह ही एक्चुअल में ये जॉब है, लेकिन सेल्स के लीड का है, टारगेट बेस्ड नहीं है। परमानेंट फिक्स सैलरी का यहाँ पर आपको जॉब मिलने वाला है। और यू हैव टू डेवलप द रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, और उनके जो कोई भी कस्टमर्स होते हैं उसका स्ट्रांग फॉलोअप लेना है, देन उसका जो फीडबैक आता है उस पर आपको काम करना है। अब सबसे मेन चीज आती है कि यहाँ पर ये जॉब जिसकी मैं बारे में बात करी हूँ वो है किस पर, तो एक प्लेटफॉर्म है फ्रंट रो नाम का, जहां पर एक आप कह सकते हो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी से थोड़ी सी हटके, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है ना वो अपने वाले सब्जेक्ट नहीं, मतलब मैथ इंग्लिश साइंस ये नहीं है। तो क्या है, तो फिर यहाँ पर सिंगिंग सिखाया जाता है, डांसिंग सिखाया जाता है, देन आपका ड्रामा हो गया। और ये यहाँ पर कौन सिखाता है, तो जो हमारे सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, जैसे कि नेहा कक्कर हो गए जो यहाँ पर सिंगिंग सिखाते हैं, या फिर आपका क्रिकेट से इंटरेस्ट है तो यहाँ पर क्रिकेट से, जो आपने इंडियन टीम के क्रिकेटर्स है वो यहाँ पर क्रिकेट सिखाते हैं। सब कुछ जो होगा वो ऑनलाइन होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा, मतलब वो अपना जो नॉलेज है वो यहाँ पर दूसरे लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और मेरे ख्याल से उनका पर आर के बेसिस पर कुछ तो मतलब यहाँ पर ये होता है, उनके पेमेंट्स जो होते हैं, मतलब एक स्टूडेंट और इनका इनके आपका पर्टिकुलरली काम यहाँ पर क्या करना है, तो जो कोई भी स्टूडेंट्स हैं, जो कोई भी कस्टमर्स यहाँ पर आएंगे, जो इस कंपनी के लिए, इस प्रोफाइल्स के लिए या इस क्लासेस के लिए जो लोग ये करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो उनको आपको गाइड करना है। और डेफिनेटली इनका बिजनेस और कैसे डेवलप हो सकता है इसके बारे में आपको सोचना है। तो एक अच्छी कंपनी है, एक वेल नोन कंपनी है, जेन्युइन सी कंपनी है जहां पर ये पोस्ट आया है। आप फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों भी यहां पर काम कर सकते हो। अब बात आती है कि यहां पर अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए इसका एक फॉर्म है, गूगल का फॉर्म है एक्चुअल में, डायरेक्टली वो आपको यहां पर सबमिट करना है। तो देखो, जब आप एक फॉर्म सबमिट कर देना तो आपके पास में एक दिखेगा कि 0.6 या 6.5 के एक्सपीरियंस है या नहीं, ये पूछा गया। तो आप सोचोगे कि यहाँ पर फ्रेशर कैसे अप्लाई करें, तो देखो फॉर्म भरने के लिए, मतलब यहाँ पर अगर आप naukri.com की वैकेंसी देखोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर फ्रेशर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये मत सोचना कि 0.6 मंथ्स का एक्सपीरियंस मांगा है तो फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। यस, फ्रेशर्स कैन अप्लाई है, ओके। तो फॉर्म भरते वक्त बस कुछ जो डिटेल्स मांगे वो प्रॉपरली भर देना, जैसे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है क्या, तो हाँ है। 0 to 6 months का एक्सपीरियंस मांगा है तो हाँ है। मतलब ये सारी चीजें वहां पर भर देना ताकि एटलीस्ट आप इंटरव्यू के राउंड तक तो यहाँ पर पहुंच जाए। फिर तो मतलब अगर आपका नॉलेज अच्छा है, स्किल अच्छा है, तो यहाँ पर जॉब लगने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आज की जॉब अपडेट थी। और आज लेट क्यों हो गया, एक क्वेश्चन था कि लेट क्यों हो गया मेरा ये जॉब अपडेट करने के लिए। तो इफ यू कैन सी, मतलब आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं शो यू, इफ यू कैन सी,
तो इस बंदे की वजह से आज हमारा जो वीडियो है वो लेट हो गया था, बंदा सोया ही नहीं है आज दोपहर में। और हाँ, अप्लाई करने के लिए लिंक जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है, तो आप वहां पर जा सकते हो और वहां से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।